हमारा आ गया स्पीड डिस्टेंस टाइम, यानी इसको टॉपिक क्या, हेडिंग क्या हुआ? आवर हेडिंग इज टुडे फॉर टाइम एंड डिस्टेंस। दिस वन इज आवर हेडिंग, ठीक है? तो स्पीड और टाइम इनको लेके चलते हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्लास 9th और 10th में, स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये पढ़ा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई। स्पीड इज इक्वल टू, से फॉर्मूले में जैसे एस ले लिया या वी ले लिया, डी ले लिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे भी लिख सकते, वेयर एस स्टैंड फॉर स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर आपकी स्पीड है जैसे, उसका कन्वर्जन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, कन्वर्जन किसका? स्पीड का। सपोज मेरे पास स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर पर आर है, 1 किलोमीटर पर आर, यानी 1 आर में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको मैं कैलकुलेट करने चाह रहा हूं अपने यूनिट के अकॉर्डिंग, अपने यूनिट के अकॉर्डिंग, इन द सेंस कि अब मैं अपने इसको मीटर पर सेकंड, जो मेरा यूनिट है, मैं उसमें कन्वर्ट करता हूं इसे, ठीक। तो 1 किलोमीटर पर आर, अब देखो कैसे करते हैं, बड़ा इजी कंसेप्ट है। 1 किलोमीटर पर आर, अब पहले 1 किलोमीटर को आप क्या करो, 1 किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। आर मैं चाहता हूं मीटर पर सेकंड में, चाहता हूं मीटर पर सेकंड में चाहता हूं, तो पहले आर को कन्वर्ट किया मिनट में, 1 आर में 60, और फिर मिनट को, फिर तो 60 × 60 हो जाएगा, तो 20 कैंसिल आउट हो गया ऐसे, तो ये आ गया 10/36, 2 से और काट लेंगे तो 5/18 ऐसे ला सकते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आर है, इसको अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सीधे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर रिवर्ट कर दें, यानी मीटर पर सेकेंड को, तो ऑब्वियस इसको रिवर्ट कर लेंगे 18/5 से कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया है 36 किलोमीटर पर आर, अब मुझे इसको बदलना था मीटर पर सेकेंड में। ट्रिक पता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाई चांस ट्रिक अगर भूल गए कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर की जगह आप लिख देंगे ऐसे 1000, और आर की जगह लिख देंगे 60 × 60, चीज वही आ जाएगी। अगर आप भूल गए बाई चांस तो आप ऐसे लगा सकते हैं, नो इश्यू, 6 × 6 36 कैंसिल आउट, योर आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्जन हुआ आपका, जो हमें यूनिट सेम रखनी होगी। अगर स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आपका आर में है। अगर मीटर पर सेकंड में है तो जो डिस्टेंस है वो आपका मीटर में है और टाइम आपका सेकंड में है। इसका लग ये हुआ, अब इनका रिलेशन देखें इसी फॉर्मूले को ध्यान से। स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो जैसे, अब इसमें मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, चीज आपको बहुत आसान लग रही है, देखो इसको कैसे ट्रिकी कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला देखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप बोल सकते हैं टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कह सकते ना, शिफ्ट कर लिया सॉरी, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से, टाइम और स्पीड का रिलेशन, यानी टाइम स्पीड का क्या हो गया? इन्वर्सली हो गया ना, क्योंकि नीचे है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/s, टाइम इसको प्रोपोर्शन इन्वर्ट हो गया, इसको पढ़ते हैं इन्वर्सली, मतलब जैसे जैसे स्पीड अगर हम बढ़ाते जाएंगे, अब देखो लॉजिक, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, इसको पढ़ा, ये ज्यादा होता जा रहा है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग दैट मींस व्हाट? टाइम इज डिक्रीजिंग, टाइम कम हो जाएगा, बिकॉज इस फॉर्मूले से जैसे स्पीड बढ़ेगी, टाइम आपका कम हो जाएगा,
और स्पीड अगर कम होगी तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा, होता है ना। तो ये रिलेशन में पूछ सकता हूँ कैसा, तो आप बोलेंगे इनवर्सली रिलेशन, किसका, टाइम और स्पीड का, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इफ वन इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग, और वन इज डिक्रीजिंग अदर इज इंक्रीजिंग, क्लियर। तो इस वाले फॉर्मूले रिलेशन को मैं ऐसे यूज करा सकता हूँ इसमें। अब इसमें बात करते हैं हम लोग एवरेज, एक मैं वर्ड लूंगा, जब एवरेज में पढ़ा रहा था आपको ग्रुप का, अब इसमें भी एवरेज यूज करूंगा। तो मैंने वर्ड भी यूज किया एवरेज स्पीड, इसका क्या मतलब हुआ इसको भी अच्छे से समझ लें, क्योंकि कुछ डाउट्स हैं माइंड में वो भी यहाँ से सेटल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जब मैं आपसे एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं, एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज का मतलब क्या हुआ, जो टोटल डिस्टेंस चली आपने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, ये लेंगे आप, यानी टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा एवरेज आपका स्पीड। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं जैसे स्टार्टिंग में कुछ ले लेते हैं बाद में ले लेते हैं तो एवरेज क्या होगा, नो ऐसा नहीं होगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर यू है बाद में वी है, कहते हैं एवरेज इसको ऐड करें और टू से डिवाइड कर दें, तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इन पे मैटर नहीं करती, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पे डिपेंड करती है, इट्स नॉट डिपेंड योर इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। तो ये कभी यूज मत करना कि इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू दिस इज द एवरेज, नो दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। एवरेज स्पीड मैंने इसलिए पहले लिख दिया था, दैट इज योर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, टोटल टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है, दैट इज योर एवरेज स्पीड, क्लियर। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर एक वर्ड आपको और परेशान करेगा, दैट इज रिलेटिव, रिलेटिव स्पीड। इन जनरली होता क्या है, जब कोई एक चीज कांस्टेंट में होता है, रेस्ट होता है, दूसरा बॉडी मूव कर रहा होता है, तो ये कंसेप्ट आता है वहां पे। जैसे कभी हम लोग देखते रहते हैं बस में, हम लोग बैठे हुए सीट पे, हम दो फिक्स हैं लेकिन बस हमारी बड़ी स्पीड से मूवमेंट में चल रही है, तो विंडो के आसपास देखते हैं जैसे हम लोग लगता है कि ट्री हमारे पीछे पीछे रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ कंसेप्ट आता है आपका रिलेटिव स्पीड का, मतलब रिलेटिव स्पीड एक्चुअल कंसेप्ट क्या हुआ, इसका एक्चुअल मैं कंसेप्ट अगर डिफाइन करूं रिलेटिव स्पीड को, तो मैं ये बोल सकता हूँ द स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड। यानी फील हो रहा है जैसे, जैसे टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है इन द सेम डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा है, इसमें उल्टा होता है रिवर्ट होता है, याद रहे, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, ध्यान से देखें, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट इज व्हाट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट, इसमें रिवर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन ऐसे भी जा सकते हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर सकते हैं, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है उनके डिफरेंस होता है। व्हाई द वर्ड डिफरेंस, डिफरेंस इन द सेंस हायर माइनस इनिशियल, हायर का ये मतलब होता है जो बड़ी हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दें, दैट इज द रिलेटिव स्पीड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग सेम डायरेक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड कंसेप्ट इसका, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी मतलब दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर ये यू है ये वी है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यू प्लस वी, इसमें क्या होगा, अगर यू और वी है तो यू माइनस वी, अगर यू वी से बड़ा है, तो इन द अगर दोनों अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, ज्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग 9th 10th में क्वेश्चन करते थे कि
कि आप बोट के ऊपर है, वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। जैसे ये आपकी सपोज बोट है और ये आप उसमें वाटर वैसे फ्लो करते थे, अभी याद आ जाएगा। वाटर की स्पीड एक्स है, आपकी स्पीड यू है। अगर दोनों ये आपको यहाँ पर जाना है तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे होंगे ऐसे करके, होता ना फ्लो, उसको और स्पीड से ले जाता है उसको। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते थे। अगर उसको देखें तो रिलेटिव स्पीड, फिलहाल हम दो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, अगर दोनों के एक साथ मूव कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे के अपोज में मूव कर रहा है। ठीक है, तेरी बेसिक फंडा क्या, एक ही फंडा है आपके पास माइंड में सेट है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आपको पकड़ करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पे मैं क्वेश्चन आपके साथ करूंगा। ठीक है, अब इसमें आपको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं या आप कंसेप्शनल भी कर सकते हैं। जैसे हमने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया, कह रहा कि स्कूल बॉय ट्रेवलिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर रीच इज स्कूल 30 मिनट्स लेट। कह रहे कि स्कूल बॉय ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड दे दी मैंने 3 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेवल करता है रूच एंड रीच इज स्कूल 32 मिनट लेट। सपोज ये उसका स्कूल है और वो लेट हो जाता है, कितना लेट हो जाता है, 32 मिनट लेट लिख देता हूं मैं। एक स्कूल बॉय अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो अपने स्कूल 32 मिनट लेट हो जाता है। इफ ही ट्रेवल एट 5 किलोमीटर आवर, अगर वो ट्रेवल करता है अपनी स्पीड बढ़ा दे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, देन ही रीच हिज स्कूल 28 मिनट अर्ली। और अब अपने स्कूल वो 28 मिनट अर्ली आ जाते हैं, जल्दी आ जाएगा, जो उसका एक्चुअल टाइम था उससे 28 मिनट पहले पहुंच जाएगा। कब, जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आर होती है, और जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आ रहा है तो वो 32 मिनट लेट हो जाता है, जो स्कूल का अपने शेड्यूल टाइम है, एक्चुअल टाइमिंग है। ठीक, वो क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल अर्ली डे टू रीच द स्कूल। यानी अगर वो यहां से चलना स्टार्ट करता है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। ठीक, मैंने कहा लेट जो डिस्टेंस है एज्यूम कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस बी एक्स, किलोमीटर में तो किलोमीटर में एज्यूम कर लेते हैं। मैंने मैंने बोला क्या, लेट द स्टूडेंट जो है ट्रेवल करा डिस्टेंस एक्स किलोमीटर स्कूल, और टाइम लेता हूं, इन टाइम टाइम ले लेता हूं मैं, टी ले लेता हूं, टी आर। ठीक, डिस्टेंस ले लिया मैंने एक्स, टाइम ले लिया मैंने टी। फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड का ही कंसेप्ट है तो स्पीड से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चल रहा, एक्स। अगर वो इस वाले केस को पहले स्टडी करते हैं, अगर वो 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है तो 32 मिनट लेट हो जाता है, तो डिस्टेंस कितना है, एक्स। स्पीड कितनी है, 3। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या, स्पीड आ गई, स्पीड कितनी, एक्स अपॉन 3। तो कितने मिनट लेट हो जाता है, 32 मिनट लेट हो जाता है। लेट, और एक्चुअल टाइमिंग क्या, एक्चुअल टाइमिंग उसका टी है, तो ये इक्वल हो जाएगा टी प्लस 32/60। कर लिया मैंने, मिनट को मैंने 60 डिवाइड कर लिया ना, तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट केस हुआ, जब वो 3 की स्पीड से जाता है, लेट होता है, उसमें प्लस करके मैंने उसके इक्वल कर दिया। सेकेंड वाला, अगर उसकी स्पीड 5 हो जाती है तो एक्स अपॉन 5 हो जाएगा। स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स है, टाइम उसने ये कितना लिया है, 5 किलोमीटर पर आर। तो टाइम निकाल लिया मैंने, ये असल में एक्चुअल टाइम पे चल रहा हूं मैं, मैंने लगाया था ना स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम निकाल दिया मैंने, अभी दूसरा टाइम निकाल रहा हूँ मैं, जब वो स्पीड उसकी 5 होती है तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 5। अर्ली पहुंच जाता है, एक्चुअल टाइमिंग टी है तो अर्ली हो जाता है, तो माइनस कर लेते हैं, कितना 28 मिनट, तो 60 डिवाइड किया तो ये आपका कन्वर्ट हो गया आर में। तो ये मेरे पास आपके दो इक्वेशन बन के तैयार हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक्स क्या था, डिस्टेंस था,
टी क्या था? टाइम था। मुझे निकालना क्या है? मुझे डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस निकालनी तो टी को मुझे एलिमिनेट करना है। तो क्या करूंगा, मैं सिंपल माइनस कर देता हूं, टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस इक्वेशन से मैंने सब्ट्रैक्शन लगाया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू 32 अपॉन 60 माइनस, और माइनस हो जाएगा प्लस 28 अपॉन 60। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों सेम है, और ये हो जाएगा 58 अपॉन 60। ये हो जाएगा 5x और 3x, 5x में से 3x गए तो 2x अपॉन 5, 3 जा 15 इक्वल टू 58 अपॉन 60। तो 15 4 जा, और ये 2 29, तो 29 अपॉन 4। तो आंसर क्या आया, 29। एक बार आप भी चेक कर लेंगे तो ये 58 होगा, ठीक है ना? तो x आ जाएगा आपका दिस वन, तो 28 अपॉन समथिंग, तो ये 5x, 5 3 जा 15, और ये 32 अपॉन 60, और ये हो जाएगा 32 और 8, ओहो 32 28 60, दिस इज योर 60 नॉट 8, दिस इज योर 60 अपॉन 60, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 2 अपॉन 15 इक्वल टू 1, 15 बाई 2, यहाँ आ जाएगा आंसर 15 अपॉन 2, ठीक, इसको करेक्शन कर लेंगे, 15 अपॉन 2 दैट इज 7.5, दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर क्या आया, 7.5, इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक, ये डिजिट है, दिस इज योर एक्चुअल डिजिट, दिस वन, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 32 और 28 60 अपॉन 61 हो गया, ये आ गया 2x अपॉन 15 इक्वल टू 1, क्रॉस ये कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसी वैल्यू आ जाएगी, और x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई एक्चुअल, दैट इज 7.5 किलोमीटर, यानी जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस आ गई 7.5 किलोमीटर। यानी कंसेप्ट क्या लिया, टाइम के हिसाब से चले, क्योंकि टाइम की बात कर रहा था, जब आप अर्ली होते हैं और जब आप लेट होते हैं, तो लेट होंगे तो टाइम ऐड होता है, एडिशनल हो जाता है, अर्ली होते तो टाइम आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्पीड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को हम यहाँ पे एनालिसिस मोड में ले जाते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम की और इक्वेशन बना के, टाइम है, स्पीड है, ठीक है ना, डिस्टेंस है, इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी मोड पे मैं स्पीड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अभी इस पे और लेके चलता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, नो इशू। अच्छा, जैसे मैं अभी एवरेज के ऊपर बात कर रहा था, तो अब एवरेज के लिए अगर स्पीड है तो उसके हिसाब से भी एक फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट जैसे एवरेज स्पीड मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सपोज एक मेरी बॉडी आई, लेट दिस इज वन बॉडी, देखो मैं एक फॉर्मूला भी जनरेट करता हूँ। कंसिडर करता है बॉडी ट्रेवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट पी टू क्यू, ये P से Q तक ये बॉडी मेरी ऐसे मूव कर रही है, अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम P टू Q, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ U, U की स्पीड से मूव कर रही है, U बोल सकते हैं U मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इससे मूव कर रही है, एंड बैक फ्रॉम द पॉइंट Q टू P, P से Q जा रही है और Q से P फिर आ रही है, बैक कर रही है, अब उसकी स्पीड बदल गई, लेट उसकी स्पीड हो गई V मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा एक बॉडी है P से Q जा रहा है U मीटर पर सेकेंड, और Q से फिर P आया था V मीटर पर सेकेंड, ऐसे रिटर्न कर रहा, ठीक। अब मैं अगर बोलूं कि इसमें टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आप बड़े आसानी से बोल दोगे कि सर जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, पहले P से Q क्या, फिर तो पी क्यू लिख दिया, फिर Q से P आया तो क्यू पी हो गया, दैट इज टू टाइम्स ऑफ पी क्यू, इसी डिस्टेंस को तो ट्रेवल किया ना आपने, यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां आया। अब मैं बोलूं टोटल टाइम क्या है, यहां से यहां तक जाने में सपोज लगा टाइम टी वन और आने में लगा टाइम टी टू, तो टोटल टाइम क्या हुआ, टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू, टी वन टाइम लगा है पी से क्यू तक जाने में और टी टू टाइम लगा है क्यू से पी तक आने में, तो टोटल टाइम हो गया आपका, टोटल टाइम हो गया पी वन T1 प्लस T2। अब टाइम निकाल लें, कैसे टाइम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
फर्स्ट जब निकाल रहे हैं पी से क्यू तक जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है आपके पास पी क्यू, और स्पीड कितनी ली थी आपने? यू। और वापस आने में डिस्टेंस फिर से वही पी क्यू है, और स्पीड कितनी है? वी। तो मैंने पी क्यू को कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी हो गया। नॉट टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लें, यू प्लस वी अपॉन यू वी। तो ये आ गया आपके पास टोटल टाइम। हमने टोटल टाइम निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस निकाल दी। कंसेप्ट क्या हमारा? हमारा कंसेप्ट है सिंपल, एवरेज स्पीड निकालना। और एवरेज जो स्पीड है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस निकाल रखी हमने दैट इज टू टाइम्स ऑफ पी क्यू, और टाइम निकाल रखी हमने पी क्यू इंटू यू प्लस वी अपॉन यू वी। तो यू वी ऊपर न्यूमरेटर आ गया, पी क्यू कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास दैट इज टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। ये मैंने तो कोई एक्सप्रेशन भी प्रूफ कर दिया किसका? एवरेज स्पीड का। क्योंकि तो आपके माइंड में एक चीज थी ना कि अगर यू से जा रहा है वी से आ रहा है तो जो उसका एवरेज स्पीड होगा दैट इज यू प्लस वी अपॉन टू। नो, उसका एवरेज स्पीड होगा टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। ये मैंने ड्राइव करके भी दिखाया। तो माइंड से वो पिक्चर आप हटा दें कि जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज यू प्लस वी अपॉन टू होती है। एवरेज स्पीड होती है टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, इस कंसेप्ट के बगैर अगर कुछ क्वेश्चन एवरेज का आता है तो यू कैन यूज डायरेक्टली, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने कंसेप्ट दिया आपको एवरेज स्पीड का। क्योंकि अब मैं इस पे क्वेश्चंस भी करूंगा तो आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला या उसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग जाके आप काम भी अपना वर्कआउट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला अ पर्सन ट्रेवल पी टू क्यू एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आर। कह रहा पी है और ये क्यू है, एक पर्सन मूव कर रहा है पी से क्यू तक, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। पी से क्यू तक एक पर्सन ने मूव किया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न बाय इंक्रीजिंग इज स्पीड बाय 50%। उसने बोला कि जो रिटर्न कर रहा है वो अपने इंक्रीज कर दी स्पीड कितनी? 50%। 50% मतलब हाफ ऑफ द स्पीड उसने इंक्रीज कर दी, स्पीड इंक्रीज कर दी 50%। तो पहले 20 का तो 40 है के जा रहा था, तो हम 40 का 50% निकाल लेते हैं। 40 का 50% यानी हाफ, 20 ये इंक्रीज कर दी इसमें, तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? यानी 60 आ गया। इसका मतलब वो पर्सन 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा था और 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो वापस आ गया। ठीक, अब उसने बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस वन ट्रिप। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड। इस तरह के वन मार्कर क्वेश्चन में आप सीधे लगा देंगे टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। अभी आपने पढ़ा था टू यू जो स्टार्टिंग वाला ले लिया 40, वी वापस आ रहा है 60 अपॉन यू प्लस वी, 40 प्लस 60 100। तो ये 20 कैंसल आउट कर लें, 6 जीरो 14 2 जा 48। तो आपका आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गया? दैट इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है? तो इस तरह से हमने फॉर्मूले में भी इसको यूज कर लिया। मेरा कहने मतलब है अगर आप फॉर्मूला आपके माइंड में सेट है तो आप इसको इसके थ्रू आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। मैंने ड्राइव करके भी दिखाया था आपको अभी भी। ठीक, तो ये एवरेज स्पीड का भी कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया। तो अब मैं इसके, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं, वन बाय वन इसको टैकल करेंगे। पहले तो मैं डिस्कस कर लूं जो मैं अभी बता रहा था, स्पीड डिस्टेंस या एवरेज, इसमें कोई डाउट है